हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 36 ऑफ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो आज मैं सुबह यहाँ पे उठी थी, थोड़ा सा लेट उठी थी। आज मैं यहाँ पे उठी थी 10 बजे, क्योंकि आज था संडे। आज सबसे छुट्टी थी मेरी, फाइनली इतने दिनों के बाद मेरा एक संडे तो फ्री हुआ, वरना कुछ ना कुछ काम आ ही रहे थे। फिर मैंने पिया अपना ये एक ग्लास जीरा वाटर, जो कि मैं रोज पीती ही हूँ। और जीरा वाटर पीने के बाद वर्कआउट तो आज करना नहीं था, क्योंकि आज था संडे, तो मैंने वर्कआउट नहीं किया। थोड़ी देर, आई थिंक 5 मिनट योगा कर ली होगी, वो वीडियो शूट करना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि फास्टिंग तो कर ही हूँ। थोड़ी देर काम वाम किए, फिर अपनी फास्टिंग को ब्रेक किया था ये थोड़े से फ्रूट्स खा के। फिर उसके बाद मैंने 1 बजे किया था अपना लंच, और लंच करने के बाद आज पढ़ाने भी नहीं जाना था। थोड़ी देर वॉकिंग करी, और उसके बाद 1 घंटा बैठ गई थी तारक मेहता देखने। 1 घंटा बैठी थी या 1.5 घंटा, ध्यान नहीं है। और तारक मेहता देखा, उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करी, फिर मैं ना सो गई थी थोड़ी देर जाकर, क्योंकि आज थी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं जाके सो गई थी। और आज संडे भी था, तो मुझे पूरा चिल आउट करना था, मतलब आराम करना था। आज बहुत दिनों बाद मेरे को आराम मिल रहा है। फिर मैं उठी थी शाम को अराउंड 6:30 बजे, ठीक है। फिर मैंने किया था, थोड़ा सा मार्केट चली गई थी, क्योंकि बाहर कुछ काम थे, तो वो काम निपटाने के लिए चली गई थी। और आते आते मैंने अपनी स्कूटी को ही वॉश करवा लिया था, बेचारी बहुत टाइम से वॉश भी नहीं हुई है। फिर आके मैंने किया था अपना डिनर, और डिनर करने के बाद चली गई थी टेरेस पे वॉक करने। कितनी भी तबीयत खराब हो, वॉक नहीं छूट सकती है। तो इधर वॉक करी थी, 2 घंटे वॉक करी थी ये स्प्लिट्स ला देख देख के। फिर मैं नीचे आई, आके मैंने थोड़ी देर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ी देर बातें बातें करी, फिर मैं जाकर सो गई थी। तो आज मैं सो गई थी यहाँ पे 12 बजे।